सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवलर मीडिया को और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। जानिए कैसे पहाड़ों के बीच विराजे भगवान बद्री विशाल। लॉकडाउन के बीच बिना भक्तों की भीड़ के ही भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खोल दिए गए हैं। भगवान श्रीहरि के स्वरूप के रूप में यहां बद्री नारायण की पूजा होती है। उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित इस तीर्थ के नगर का नाम भी बद्रीनाथ नगर है। यह जोशीमठ की एक नगर पंचायत है। कपाट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन भक्त कब से दर्शन कर सकते हैं इस बारे में निर्णय अभी नहीं लिया गया है। बद्री का अर्थ होता है बेर का वृक्ष। अंग्रेज इतिहासकार एडविन टी एटकिंसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गैजेटियर में भी लिखा है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। मंदिर में एक मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास के नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को श्री विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति को लेकर एक कथा प्रचलित है। नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीरसागर पहुंचे। यहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। देवी लक्ष्मी भी तपस्या करने पहुंची। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गयी। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी हैं, तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदारखंड था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बन गई। इस तरह यहां बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु अपने ध्यानयोग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भाग गया, लेकिन यह शिव क्षेत्र था। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और रोने लगे। उनका रोना सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यानयोग करने हेतु वह स्थान मान लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना गया। खुले बद्रीनाथ के कपाट गूंजा जय बद्री विशाल। नर नारायण का भी क्षेत्र है बद्रीनाथ। विष्णु पुराण के अनुसार धर्म के दो पुत्र हुए नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। इस खोज में उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी। नर नारायण ने ही अगले जन्म में अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों का आत्मा का शांति के लिए पिंडदान करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।